सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह नौवां वर्ग का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो बच्चों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे चैप्टर का नाम जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके पहले आप लोग एक हम सूचना देना चाहते हैं बच्चों, कुछ बच्चों का ये कमेंट है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी का जो भी बुक है हम एक दो दिन में जो है शुरू करने वाले हैं। अभी जो है आपको जो भी कॉन्सेप्ट हम आप लोग को दे रहे हैं उसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे और जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसे मिलाकर उसे समझेंगे। जो भी चीज क्वेश्चन आंसर या जो भी टॉपिक्स आप लोग को लिखवाया जा रहा है वह एनसीईआरटी बुक से बाहर की भी एनसीईआरटी बुक है उसे भी आप लोग को थोड़ा सा अधिक विस्तृत ज्ञान देने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप जो है हमारी बातों को सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और जो है एनसीईआरटी बुक का जो है जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे मिलाकर अपना क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। तो बच्चों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हम जानेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है क्या। तो हम लोग पिछले अध्याय में भौगोलिक खोज के बारे में पढ़े हैं। भौगोलिक खोज में हमने पढ़ा है कि कोलंबस, वास्को डी गामा ने जो है किस प्रकार अलग अलग देशों का जो है खोज किया है, ठीक ना। तो इसी देशों के खोज के दौरान ही जो है एक देश दूसरे देशों के संपर्क में आया और वहाँ पे जाकर जो है व्यापार करने लगा, वहाँ पे जो है अपना जो भी वर्चस्व स्थापित करने का पूर्ण से प्रयास भी किया और एक दुनिया को एक नया दिशा मिला, ठीक ना। तो उपनिवेशक के रूप में जो भी दूसरे देश थे जो दूसरे देशों में जाकर बस गए और वहाँ पे जो है वहाँ के संसाधनों का उपयोग करना जब शुरू किया तो वहाँ के जो भी कायदे कानून थे, वहाँ के जो नियम थे, वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ के जो लोग थे, इसका जो है उन्होंने विरोध करना शुरू किया और वहाँ की सरकार ने एक नया जो है कानून बनाया और इन उपनिवेशकों पर जो है प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी इतनी घटनाओं में से एक है। जैसे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हम जानेंगे कि अमेरिका में जो है 13 उपनिवेशक वर्गों ने अपना जो है वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। तो 13 देशों से लोग वहाँ पे जाकर अमेरिका में बस गए थे और बसने के बाद जो है वहाँ के संसाधनों का या राजनीति के क्षेत्रों में जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्षशील प्रयास किया। तो उसी संघर्षशील प्रयास को जो है हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, ठीक ना बच्चों, इसे देखेंगे। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो मुख्य कारण थे बच्चों, इसमें देखेंगे कि अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन, दूसरा है ब्रिटेन की उपनिवेशिक सोच, तीसरा है धार्मिक मतभेद, सामाजिक मतभिन्नता, उपनिवेशकों की दोषपूर्ण शासन पद्धति, अगला है जातीय समानता और अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के नए कानून, ठीक ना बच्चों। तो एक एक करके थोड़ा सा इसमें हम चर्चाएं करेंगे। अमेरिकी जो भी स्वतंत्र अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन में हम जानेंगे कि आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के फलस्वरूप उपनिवेशवासियों में आत्मविश्वास का विकास हुआ, ठीक ना बच्चों। वे महसूस करने लगे कि वह अपने भविष्य एवं भाग्य को स्वयं नियंत्रित करने में सक्षम थे। वे यह मानने लगे कि उन्हें भी स्वशासन में ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त करने का हक था। उनका यह मानना था कि साम्राज्य का शासन केवल ब्रिटेन के लाभ के लिए न हो बल्कि उपनिवेशकों के लाभ के लिए भी हो। उपनिवेशकों के लोगों ने आर्थिक अवसरों और राजनीतिक अधिकारियों का मांग शुरू की, राजनीतिक और आर्थिक समानता के लिए आवाज उठाई। इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम के स्थिति पैदा हुई। तो वहाँ की सरकारों से जो भी उपनिवेश वर्ग के लोग थे वह अपना जो अधिकार चाहते थे वो भी चाहते थे कि हमारा भी जो है वहाँ के जो अस्थायी नागरिक है उन्हीं के तरह ही हम लोग को भी जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसी जद्दोजहद में जो है उपनिवेशक वर्गों में और वहाँ की सरकारों में ताना तानी शुरू हो गई और एक स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो ले लिया। आगे तक चलते हैं ब्रिटेन के उपनिवेशक
ब्रिटेन की औपनिवेशक सोच, तो इसमें यह भी था अमेरिकी उपनिवेशवासियों का दृष्टिकोण बदल रहा था, लेकिन ब्रिटेन की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पुराने व्यापारिक सिद्धांतों को चिपक रहा, उपनिवेशकों को साम्राज्य में हित साधन उपकरण मानता रहा, उपनिवेशवासियों को मौलिक अधिकारों से अधिक महत्व संसद को प्रदान किया, उपनिवेशवासियों को किसी भी तरह का स्वतंत्रता नहीं देने तथा समानता का अधिकार से वंचित रखने की उनकी नीति ने उपनिवेशवासियों के बीच असंतोष पैदा किया तथा ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर। ठीक ना बच्चों, अगला जो पॉइंट है धार्मिक मतभेद। धार्मिक मतभेद हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशकों में प्यूरिटन मतावलंबियों लोगों के जो संख्या थी वो अधिक थी। इंग्लैंड में एंग्लिकन तथा कैथोलिक मत को मानने वाले लोग रहते थे। लोग धार्मिक अत्याचार के कारण ब्रिटेन से अमेरिका पहुंचे थे, वे इंग्लैंड से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। यह धार्मिक भिन्नता भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में काम कर रही थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी अलग देशों से लोग गए थे, अलग धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जो है वहाँ पर जो धर्म स्थापित थे वो दोनों को जो है सामंजस्य अपने स्थापित नहीं कर पा रही थी। इसी कारण जो धार्मिक मतभेद भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण है। आगे तो देखते हैं कि अगला पॉइंट है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता हम जानते हैं कि उपनिवेशकों का साम्राज्य समतालमूलक था, इंग्लैंड का साम्राज्य अभी भी सामंती एवं कुलीन था, अतः इंग्लैंड के साथ उपनिवेशवासियों की दूरी स्वाभाविक रूप से बढ़ी और वह उन्हें अलगाव के रास्ते पर ले गया। तो इस प्रकार जो है इसको भी जानते हैं। तो उपनिवेशकों के दोषपूर्ण शासन की पद्धति अगला पॉइंट है। इसमें जानते हैं उपनिवेशकों में व्यवसायिक का सभा का प्रावधान था, लेकिन कार्यकारिणी का प्रधान गवर्नर का होता था तथा वह उनकी काउंसिलिंग का सदस्य राजा के प्रति जिम्मेवार होते थे। गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के निर्णय रद्द करने का अधिकार रखता था। राजनीतिक प्रभुता की प्राप्ति के मुद्दे पर ब्रिटेन उपनिवेशवासियों से के संबंध खराब कर दिया। तो उपनिवेशकों के दोषपूर्ण शासन पद्धति भी थी कि उपनिवेशक वर्ग के लोगों पर जो भी शासन करने का उनका तरीका था वह अलग था। उन पर जो है एक सुधात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती थी और उपनिवेशवासियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए जाते थे। आगे तक चलते हैं जातीय असमानता पर भी हम लोग देखते हैं। तो जातीय असमानता में देखते हैं कि उपनिवेशवासी अंग्रेज जाति के ही थे, अपनी ही जाति के लोगों को गुलामी उन्हें नागवार लगी तथा उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ठीक ना बच्चों, तो जो भी उपनिवेशक वर्ग के लोग अमेरिका में गए थे वह भी अंग्रेजी थे। तो अंग्रेज जाति के लोगों पर ही अंग्रेज जातियों के द्वारा जो शासन किए जाते थे वे जो है उनमें एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी। वह उन्हें लगा कि हमारी जाति के लोग जो है हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं, उन्हें जो है इस प्रकार के जो बातें थी वह नागवार थी, उन्हें वह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें जो है ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, जिसका कारण हमें किस स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। आगे तरफ देखते हैं विभिन्न प्रकार के नए कानून। विभिन्न प्रकार के नए कानून बनाकर जैसे कि नेविगेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, जो कि आपका आगे चलकर इसके बारे में पढ़ाएंगे, तो इसमें इस प्रकार के जो नए नए कानून बनाए गए थे इन कानूनों के द्वारा उपनिवेशवासियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। ठीक ना, इसमें ये भी कानून बनाए गए थे कि जो भी सामान पत्र समाचार पत्र जो खरीद रहे हैं उस पर जो आरक्षित टैक्स लगाई जाए, इनकी रक्षा के लिए टैक्स लगाई जाए, और जो है जो भी लोग व्यापार करेंगे वह जो है अंग्रेज के जहाज़ों से ही व्यापार करेंगे, हमारा अमेरिकी जहाज़ों का ही प्रयोग करना है, अपना अलग से कोई भी जहाज़ का प्रयोग नहीं करना है, जो भी सामान एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, मैंने आयात या निर्यात करना है, उस चीज़ों का विवरण भी खुल कर इन्हें देना है और एक सीमित मात्रा में ही ये सब करना है। तो इस प्रकार के प्रतिबंध से वह क्षुब्ध थे और वह जो कि आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण। तो जॉर्ज वाशिंगटन के जो है नेतृत्व में इन्होंने उपनिवेशवासियों ने एक अपना एक संगठन बनाया और जो है फिलाडेल्फिया जो कि एक अमेरिका का जगह है वहां पर इन्होंने एक संयुक्त बैठक की और उस जगह पर 13 उपनिवेशवासियों ने अपना एक संगठन पर जो है विचार विमर्श किया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष शुरू कर। तो अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार जो है उपनिवेशवासियों को मांग ली। मांगने के बाद इन्हें संविधान संशोधन करके इन्हें जो है दर्जा मिला। तो इस तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बच्चों हम लोग देखें कि क्या है। आज वो जो है घर पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे आज,
अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर चलेंगे, प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।